क्या सोनी टीवी का रिवैम्प होने जा रहा है, क्या सोनी टीवी पूरी तरीके से बदलने वाली है। इस तरीके की खबर आप लोगों ने भी अभी तक बहुत सारी पढ़ी होगी, बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं कि सोनी टीवी जो है वो पूरी तरीके से बदलने जा रही है, यानी कि सोनी टीवी क्या जो है रिवैम्प होने जा रहा है। और ये खबर क्यों आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सोनी टीवी एक जमाने में टॉप व्यूअरशिप के मामले में नंबर 1-2 पर हुआ करती थी, क्योंकि सोनी टेलीविजन के पास बेहतरीन सोच थे जिसमें दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा बांध करके रख पाने में सोनी टीवी सक्षम थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो सोनी टीवी एक भी अच्छी शो नहीं आती है, खास करके अगर हम जो डेली शोज होते हैं जिसमें हम लोग कई सारे धारावाहिक सीरियल्स देखते हैं उसमें जो है खास करके सोनी टीवी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो वीकेंड का शो होता है जो कि हम लोगों को शनिवार और रविवार दिखाया जाता है, उसमें भी सोनी टीवी के पास अभी अच्छा कंटेंट वाला कोई शो नहीं है, जिसके कारण से सोनी टीवी का जो व्यूअरशिप है वो लगातार डाउन है। और सोनी चैनल कहीं ना कहीं अभी जो है, या फिर हम कहें कि सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है वो टॉप 5 में भी कभी शामिल नहीं हो पाती है, व्यूअरशिप ना के बराबर है। तो ऐसे में अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है मैनेजमेंट के तौर पर, और अब जो है इस टेलीविजन को जो है पूरी तरीके से रिवैम्प करने की तैयारी हो रही है, यानी कि जितने भी शोज अभी आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे शो है जिसको बंद कर दिया जाएगा और नए शो के साथ जो है एक बार फिर से एक नई शुरुआत की जाएगी। आप सभी को बता दूं कि जो रिपोर्ट्स में खबर सामने निकल के आई है उसके मुताबिक कुछ बड़े बड़े शो को सोनी जो है बंद कर सकती है, जिसमें जो पहला नाम है वो है आपका अपना जाकिर, जो कि हाल ही में शुरू हुआ था। जाकिर खान का ये शो जो है सोनी टीवी पर कपिल शर्मा के शो को रिप्लेस करके आई थी, और सोनी टीवी को बहुत सारा उम्मीद थी कि जो जाकिर खान का शो है वो सोनी टीवी के लिए गेम चेंजर होगा, और जो कपिल शर्मा के व्यूअर्स थे, जो कपिल शर्मा शो के वो व्यूअर्स जो है सोनी टीवी के साथ फिर से जुड़ेंगे द जाकिर खान शो देखने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टीआरपी में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आई। तो जाकिर खान का जो शो है आपका अपना जाकिर ये बंद होने जा रहा है, इसकी जो शूटिंग है वो रोक दी गई है। जितने एपिसोड जो है शूट हो गए हैं उसको तो जरूर दिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसके नए एपिसोड नहीं आएंगे। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि जो एक और शो है बंद हो सकती है, उसमें आप सभी को पता होगा कि सोनी टीवी पर सुम्बुल का एक शो आता है, जिसके बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रही है वो शो। काव्या एक जज्बा एक जुनून, जिसमें आप लोगों को सुम्बुल नजर आती है, ये शो भी बंद होंगे। इसको भी जो है नोटिस दे दिया गया है सोनी चैनल वाले के द्वारा कि अब जो है इस शो को आप लोग पूरी तरीके से बैन कर लीजिए, यानी कि आप लोग अगर इसको एंडिंग की स्टोरी दिखाना चाहते हैं तो इसको उस तरीके से आप शूट कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ये शो आगे नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सुम्बुल का शो है उसको भी बंद करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो एक और शो आप लोगों ने वहाँ पर देखी होगी, जो कि चर्चा तो बहुत हुई शो की, लेकिन उसको भी टीआरपी नहीं आ पाया, आप लोग सही समझ रहे हैं हम बात कर रहे हैं जुबली टॉकीज की। जी हाँ, जुबली टॉकीज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, क्योंकि एक अलग कंसेप्ट से इस शो को बनाया गया था, लेकिन ये शो भी कहीं ना कहीं दर्शकों को बांध पाने में सफल नहीं हुई, जिसके कारण से इसकी भी जो व्यूअरशिप है, इसकी भी जो टीआरपी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अब सोनी टीवी ने फैसला किया है कि इस शो को भी वो लोग हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो ये कुछ तमाम शो है जो कि बंद होने जा रहे हैं और इसके जगह पर कुछ नए शो आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें उस नए शो की जो कि सोनी टीवी पर आने वाले हैं, उसके में सबसे पहला नाम तो CID 2 का है। CID का सीजन 2 आ रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फैन, और पूरे 6 साल के बाद CID का एक नया सीजन आएगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा देखने के लिए। फैंस काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है सोनी टीवी का नया सीजन आएगा CID का, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित थे इसको लेकर के। तो CID 2 आ रही है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि आहट की जो है अगली सीजन आएगी। आप लोगों को पता होगा कि सोनी टीवी का वन ऑफ द बेस्ट शो में से रहा है आहट, जो कि हॉरर कॉमेडी रहा है, जिसको काफ़ी दर्शक पसंद करते हैं। तो इसका भी सीजन 2 आने जा रहा है, इसका भी नया सीजन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा सोनी पर। इसके अलावा जो अगली शो है उसकी अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि एक और सोनी की बहुत पुरानी शो है, जिसको दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। आप लोग सही समझ पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेबी की। जी हाँ, सोनी टीवी की जो सीरियल थी बेबी, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होते थे, उसका सीजन 2 आ सकता है, यानी कि बेबी सीजन 2 भी जो है लाने की तैयारी हो रही है। तो देखना होगा कि इस पर किस तरीके से काम चलता है और इसका जो है कब तक ये फाइनल होता है। तो सोनी टीवी पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलाव होने जा रही है, जो पुराने शोज है उसको बंद करके जो उससे भी पुराने शोज है जो कि बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं उसके नए सीजन लाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और फ्रेश शो, फ्रेश जोड़ी आप लोगों को, फ्रेश कलाकार, नए नए कलाकारों के साथ नए नए शोज भी आप लोगों को नजर आएंगे। इसके अलावा आप सभी को बता दूँगी आपका अपना जाकिर है वो तो बंद हो रहा है, लेकिन उसी के जगह पर जो है एक और कॉमेडी शो आप लोगों को नजर आ सकता है, जिसका कंसेप्ट अलग होगा, जिसमें आदमी अलग होंगे, कलाकार को बदला जाएगा, कॉन्सेप्ट को बदला जाएगा। तो इस तरीके से भी खबरें आ रही है कि एक और नए कॉमेडी शो के साथ सोनी टीवी आप लोगों को सरप्राइज दे सकते हैं। इसके अलावा जो शो आप लोगों को कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि जब सोनी पूरी तरीके से बदल जाएगा उसके बाद भी जो शो आप लोगों को अभी वाला कंटिन्यू देखने को मिलेगा, उसमें पहला नाम है क्राइम पेट्रोल, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्राइम पेट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि जो इंडियन आइडल हो, सुपरस्टार सिंगर है, या फिर अगर हम बात करें इंडिया बेस्ट डांसर है,
ये तमाम जो सोनी के शोज है वो आप लोगों को कंटिन्यू आगे भी देखने को मिलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो है अच्छी खासी टीआरपी सोनी को आती है। तो ये कुछ ऐसे शो है जो कि कंटिन्यू करेंगे और कुछ ऐसे शो है जो कि बंद होंगे, कुछ ऐसे शो है जो कि आएंगे। तो इस प्रकार से सोनी टेलीविजन पूरी तरीके से जो है रिवैम्प होने जा रही है, यानी कि एक नए सिरे से फ्रेश रूप से आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि ये कब होगा इसकी अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही है कि जब नया साल होगा यानी कि 2025 शुरू होगा तो आप लोगों को 1 जनवरी से ही ये देखने को मिलेगा सोनी का नया अंदाज, बिल्कुल अलग और फ्रेश इंटरटेनमेंट के साथ आप लोग सोनी टेलीविजन देखने को मिल सकता है। तो आपको कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो और सोनी टेलीविजन की जो मैनेजमेंट है उसके इस निर्णय से आप लोग कितना ज़्यादा खुश हो, क्या सोनी को ये करना चाहिए था, क्या जो इस तरीके से CID की सीजन 2 आ रही है वो पहले ही कर देना चाहिए था। तो जितने भी आप लोगों के मन में सवाल हो या फिर विचार हो कमेंट में जरूर रखिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी जरूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।